acids, bases and salts, we all know that there are wide varieties of materials around us and they differ from one another in color, odor, taste, physical state and other properties. So we'll learn about two such substances called acids and bases in this video. So what are acids? There are some chemicals which taste sour. Those chemicals are called acids. कुछ मटेरियल होता है जो टेस्ट में सार होता है उसको एसिड्स बोलते हैं, और कुछ कुछ मटेरियल होता है जो टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है, उसको बेसिस बोलते हैं। और अगर बेसिस को टच करेंगे तो लगेगा कि जैसे सोप का सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन टच कर रहे हैं। तो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेसिस। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सार, खट्टा। All sour tasting materials contains acids. Acid को दो broad category में divide किया गया है। एक होता है mineral acid. To see, acids can be divided into two categories. One is mineral acid and other is organic acid. So what are mineral acids? These are the acids which are derived from the minerals present in the earth's surface. Earth के surface में जो minerals हैं उसको, उससे जो acid बना है वो mineral acids होता है। जैसे earth surface में chlorine है Cl, उससे जो acid बना HCl, this is hydrochloric acid. Earth के surface में sulfur है, sulfur को हम लोग S से लिखते हैं, लेकिन वो sulfate के form में भी exist करता है, तो उससे acid बना H2SO4. फिर H2SO3, सी दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, व्हेन इट इज SO4 देन इट इज सल्फ्यूरिक, एंड व्हेन दिस इज SO3 देन इट इज सल्फ्यूरस। इसी तरह से और मिनरल एसिड्स है HNO3, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। So what are mineral acids? Acids which are prepared from the minerals present in the earth are called mineral acids. What are the various examples? These are the various examples. Examples, तुम लोगों को formula के साथ name भी learn करना होगा. HCl, hydrochloric acid. H2SO4, sulfuric acid. H2SO3, sulfurous acid. HNO3, nitric acid. H3PO4, phosphoric acid. So like this, you'll have to remember. And one more fact is this, कि H2SO4 is called king of chemicals because H2SO4 बहुत सारा substances produce करने में काम आता है, बहुत सारा chemicals, तो इसी वजह से इसको king of chemicals बोलते हैं। Next category is organic acid. Organic acid मतलब जो living beings में present है, living beings मतलब plants और animals में। तो acids which are found in plants and animals are called organic acid. जैसे बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में एसिड रहता है, गुआवा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। सिमिलरली ऑरेंज कंटेन्स साइट्रिक एसिड, ऑरेंज, लेमन, आमला, सब में साइट्रिक एसिड होता है। इसी तरह से टैमरिंड, इमली में टार्टरिक एसिड, सार मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। सो ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारा एग्जांपल्स हो जाता है मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स का। इन सब का फॉर्मूला लर्न करने का ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो इसमें लर्न क्या करना होगा कि कौन से फ्रूट या वेजिटेबल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से एनिमल्स में भी एसिड होता है। फॉर एग्जांपल, जब एक रेड एंट हम लोगों को स्टिंक करती है तो हम लोगों को बहुत इचिंग होता है, बर्निंग जैसा लगता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। तो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से हम लोगों को पेन होता है, इचिंग होता है। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स में भी एसिड होता है, इस वजह से वो वाइल्ड प्लांट्स होता है, वो
इस वजह से उससे अगर हम लोगों को लग जाता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है, जलने जैसा लगता है। तो इसी वजह से जो एसिड प्लांट और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पर जो भी मिनरल एसिड्स था ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हाथ में गिर जाएगा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में तो हाथ, वहाँ का स्किन जल जाता है। और ये जो सारा एसिड्स है ये तो हम लोगों के अंदर जा रहा है, कोई हार्म तो नहीं कर रहा, इससे ही समझ में आ रहा है कि ये सारा वीक एसिड्स होता है। तो अगर मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस लिखने आएगा तो फर्स्ट विल बी देयर डेफिनेशन। मिनरल एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ, ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट विल बी मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। थर्ड पॉइंट में दोनों का एग्जाम्पल्स देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट टर्म विच विल अंडरस्टैंड इज कंसनट्रेटेड एसिड्स और डायल्यूट एसिड्स। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंसनट्रेशन यानी इसका पावर को हमको वीक करना है। तो पावर को वीक कैसे करेंगे, बाई एडिंग वाटर, पानी ऐड कर देंगे। पानी कैसे ऐड करते हैं, सो सपोज यहाँ एसिड है और यहाँ वाटर है, तो अब हमको दोनों को ऐड करना है ताकि एसिड का स्ट्रेंथ कम हो जाए। सो दिस एडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डायल्यूशन। सो वॉट इज डायल्यूशन, डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाई एडिंग वाटर इज कॉल्ड डायल्यूशन। तो अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो पानी को एसिड में डाल देंगे या एसिड को पानी में डाल देंगे। फर्स्ट ऑफ केस और सेकेंड केस कौन सा एक्चुअली में किया जाता है, तो ये तुम लोगों को समझना होगा कि वी डोंट ऐड वाटर टू एसिड, ये प्रोसेस नहीं किया जाता है। अगर किसी चीज़ को डायल्यूट करना है तो पहले पानी लिया जाता है। अगर किसी एसिड को डायल्यूट करना है तो पानी लिया जाता है एक बीकर में, और एक रॉड रहता है जिससे कॉन्स्टेंटली सोल्यूशन को स्टर किया जाएगा, मतलब हिलाया जाएगा। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड किया जाता है। सो हाउ इज एसिड डायल्यूटेड, बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड टू द वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि जब एसिड को पानी में डाल रहे होते हैं तब बहुत हीट रिलीज होता है, तो हम लोग रेगुलर पूरा घुमाते जा रहे हैं ताकि वो हीट इवनली स्प्रेड हो जाए और कुछ हार्म ना हो। अगर हम लोग इसका रिवर्स करते, एसिड में पानी डाल देते तो इतना हीट प्रोड्यूस होता कि वो सोल्यूशन अंदर से निकल जाता या फिर ये बीकर फट जाता, तो ये बहुत डिजास्ट्रस एक्सीडेंट हो सकता। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट फॉर डायल्यूटिंग एनी एसिड वी ऐड एसिड टू वाटर बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। इफ यू विल ऐड वाटर टू एसिड देन एक्सीडेंट में टेक प्लेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड्स। नाउ वी लर्न अबाउट बेसिस। तो बेसिस के लिए दो टर्म है, एक तो बेस और एक अल्कलाई। सो वॉट इज द डिफरेंस, सबसे पहले बेस के लिए क्या बोले थे कि बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और अगर इसको टच करते हैं तो सोप का फीलिंग आता है, सोपी सोल्यूशन। तो अब बेसिस और अल्कलाई में क्या डिफरेंस है, कुछ कुछ बेस ऐसा होता है जो पानी में सल्यूबल हो जाता है, उन्हीं को अल्कलाई बोल दिया जाता है। सपोज NaOH, तो Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है जो पानी में, अगर हम लोग ये टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में मिलता है, तो अगर हम लोग इसको पानी में ऐड करते हैं तो ये पूरा सल्यूबल हो जाएगा, एक सल्यूशन बनाएगा। सो सिंस दिस इज सल्यूबल तो ये एक अल्कलाई है। इसी तरह से सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये पानी में ये भी सल्यूबल हो जाता है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन अल्कलाई।
बट एक बेस है, सपोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सी हम लोग फॉर्मूलाज भी लिखना यहाँ से सीख सकते हैं। एल्यूमिनियम Al3+ होता है, हाइड्रोक्साइड OH- होता है। नाउ इफ विल क्रिस क्रॉस दिस देन विल गेट Al के पास तो 1 आएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है, OH ब्रैकेट देकर 3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो पानी में सल्यूबल नहीं होता है, तो देयरफॉर दिस इज अ बेस बट नॉट एन अल्कलाई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड अल्कलाई। बेसिस आर दोज मटीरियल्स और दोज सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड सोपी फील। अल्कलाई आर दोज बेसिस विच आर सल्यूबल इन वॉटर। सो देर इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन विच इज वेरी कॉमन इन एग्जाम्स, एक्सप्लेन दिस। ऑल अल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। ये क्वेश्चन है, बुक में भी लिखा है, इसको जस्टिफाई करना रहता है कि सारा अल्कलाइज तो बेसिस है लेकिन सारा बेसिस अल्कलाइज नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का मीनिंग क्या हुआ, ऑल बेसिस आर अल्कलाइज। ट्रू, बिकॉज अल्कलाइज का डेफिनेशन क्या है, दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं सब तो बेस ही है, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। ट्रू, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कलाई बिकॉज इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सो यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस बट ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कलाई बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड था, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होता है। सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वीक बेसिस का। कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। नाउ व्हाट विल अंडरस्टैंड इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट वेदर अ लिक्विड इज एसिड और अ बेस, तो उसी को इंडिकेटर बोलते हैं। तो एक इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस किससे बनाया जाता है पता है? लाइकेंस होता है ना, जो एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उससे केमिकल एक्सट्रैक्ट करके लिटमस बनाया जाता है। इसका खुद का कलर पर्पल होता है दिखने में। जब इसको एसिड में डालते हैं तो एसिडिक मीडियम, और जब बेस में डालेंगे तो बेसिक मीडियम। तो जब इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, पर्पल से रेड हो जाएगा। तो जब पर्पल कलर का सॉल्यूशन है ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में डाल रहे हैं तो देख रहे हैं रेड हो गया, और जब ये बेस में जाता है तब ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, इसी वजह से इसको इंडिकेटर बोला जाता है। तो लिटमस तो एक सॉल्यूशन है, लेकिन लैबोरेटरीज में इस सॉल्यूशन को एक पेपर में डिप करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर भी वही काम करता है। सी यू कैन सी फ्रॉम दिस फोटो, ऑरेंज लेमन का जूस एक पेट्री डिश, मतलब ये जो रस कंटेनर दिख रहा है इसको पेट्री डिश बोलते हैं। तो इसमें लेमन जूस को स्क्वीज कर दिया गया, तो लेमन जूस तो एसिड है। अब उसमें ये जो पर्पल कलर का स्ट्रिप है जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं वो डिप किए हैं, तो सोल्यूशन कौन सा कलर का हो गया? रेड। रेड है मतलब एसिड है। एक सोप सोल्यूशन को यहाँ पर लिया गया है पेट्री डिश में, तो सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो इसी वजह से देखो, इसी लिटमस जब ये रेड हो गया था, इसी को हम लोग बेस में बेसिक सोल्यूशन में डाल दिए तो वो वापस ब्लू हो गया, ब्लू पर्पल के शेड में हो गया। इसका मतलब बेसिक इन सोल्यूशन, बेसिक इन नेचर सॉरी। तो ये सब चीज़ इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है।
इसी तरह से नेचुरल इंडिकेटर्स भी होता है, टर्मरिक हल्दी। टर्मरिक का एसिडिक सॉल्यूशन में वो येलो ही रहता है, लेकिन जैसे अगर हल्दी गिरा, हम लोग उसमें साबुन लगा देते हैं धोने के लिए कपड़ा, तो वो देखना रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन, और इन सम बुक्स इट इज रिटन एज रेड ओनली। सो इसका मतलब टर्मरिक जब बेस में जाता है तब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से जूस ऑफ चाइना रोज, मतलब हिबिस्कस का, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब एसिड में डालते हैं तब ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है। दिस कलर इज ऑल्सो नोन एज मैजेंटा कलर। एंड वेन दिस जूस इज एडेड इन अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ग्रीन। सो ये भी इंडिकेट कर रहा है एसिड है या बेस है। इसी तरह से एक दूसरा इंडिकेटर है फेनोलॉपथलिन। फेनोलॉपथलिन ये केमिकल सिंथेसाइज्ड है, बनाया हुआ है। जब इसको एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं, पानी के जैसा रहेगा, और जब ये बेस होता है तो ये पिंक में पिंक कलर हो जाता है। तो ये कुछ कुछ इंडिकेटर्स था जो इंडिकेट करा था वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। सो यू विल हैव टू लर्न दिस वाया अ टैबुलर फॉर्म ओनली। यू कैन मेक अ टेबल इन योर बुक और इन योर कॉपी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। सो वॉट वी लर्नड इन दिस वीडियो इज अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स।